दोस्तों, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे अगर आपको प्यार हो जाए तो वो आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है आप सोच भी नहीं सकते, और अगर नफरत हो जाए तो आपको कितना नीचे गिरा सकता है ये भी आप सोच नहीं सकते। मैथ्स की फुल फॉर्म जो आप और मैं अपने दोस्तों से रोजाना सुनते हैं कि मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। दोस्तों, आपको पता है एक छोटी सी लाइन एक इंसान के माइंड पर कितना बड़ा इफेक्ट छोड़ सकती है? पहली बात तो ये कि ये लाइन ही गलत है, आपको भी पता है, बट ये एक नेगेटिव इफेक्ट छोड़ सकती है हमारे माइंड पर। मैथ्स की एक ऐसी इमेज क्रिएट कर देती है हमारे माइंड में कि हमें मैथ्स का नाम सुनते ही वहाँ से चले जाने का मन करता है, बिकॉज आप जो भी अपने मन मन में बोलते हो वो डायरेक्टली आपके माइंड को इफेक्ट करेगा। जैसा आप सोचते हो आप वैसे ही बन जाते हो। इसलिए मैथ्स के बारे में आज से पहले आपने जो भी सुना है या जाना है, आज इस वीडियो में वो सब क्लियर होने वाला है। मैं आपके लिए मैथ्स को इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना दूंगा कि आप अभी इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले मैथ्स को लेकर पढ़ने बैठोगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोडोन और आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ग्रो इंटरेस्ट इन मैथ्स सब्जेक्ट टू स्कोर हाईएस्ट इन एवरी एग्जाम सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक गजब की शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको बाकी कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले मैथमेटिक्स जो वर्ड है उसका मीनिंग समझ लेते हैं। इसका ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड मैथेमा से हुआ है जिसका मतलब होता है लर्न करना, इंक्वायरी करना। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं आप सबको ये क्यों बता रहा हूँ। भाई, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ने जा रहे हो कम से कम उसका रियल मीनिंग तो पता होना चाहिए ना, करेक्ट मीनिंग। अगर कल को आप एक मैथ्स टीचर बन गए और स्टूडेंट ने आपसे पूछ लिया तो आप उसको ये थोड़ी बताओगे कि बेटा मान जा वरना मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, नहीं ना। चलो अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि भाई मैथ्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और ये कैलकुलेशंस और ये मल्टीप्लिकेशंस, ये नंबर्स, दिमाग घूम जाता है यार। अगर कोई ये बता दे कि इसको इजी कैसे बनाएं तो ये मान लो कि मोक्स मिल जाए इस जालिम दुनिया से, सेंटी होने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ्स को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, अब मिस्टर प्रोटॉन सर आपको बताने जा रहे हैं। दिल थाम के बैठो और सुनो, मैथ्स जो है ना वो एक सब्जेक्ट नहीं है, वो एक नीड है, बेसिक नीड, जिसे आप चाहो या ना चाहो आपकी पूरी लाइफ में इससे आपको दो चार होना पड़ेगा। आप चाहे किसी भी जॉब में चले जाना, कुछ भी कर लेना, बट मैथ्स आपका साथ नहीं छोड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैथ्स तो हमारा जीवन साथी है भाई, इससे तो प्यार करना ही पड़ेगा चाहो या ना चाहो, अगर आपको खुश रहना है तो। मेरे प्यारे दोस्तों, आप मैथ्स का कोई भी चैप्टर ले लो, अगर आपको उसमें मास्टर होना है तो सबसे पहले उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि एक बेसिक आइडिया जिस पर वो चैप्टर बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? किसी भी प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, यानी कि मूलधन पर ब्याज की गणना करना। समझ गए? अब देखो, सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक जानोगे कि इसमें प्रिंसिपल, रेट और टाइम, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है जिससे आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, जिससे आपने ये फॉर्मूला बनाया है P(R)T/100। कितना सिंपल है। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके आप रेट भी निकाल सकते हो, आप टाइम भी निकाल सकते हो। मेन पॉइंट ये है कि आपको किसी भी चैप्टर का बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, फिर आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े ही आराम से कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चन चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, बनता वो बेसिक से ही है। तो पहली बात, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो। अब दूसरी बात, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप याद नहीं कर सकते। करो कोशिश याद करने की, नहीं कर पाओगे। जो जितना प्रैक्टिस करेगा मैथ्स उसके लिए उतना ही आसान सब्जेक्ट बन जाएगा। आप चाहे डेली एक घंटे ही पढ़ो, बट यू शुड बी रेगुलर। आपका ये मैथ्स का जो डर है वो एक चैप्टर को करते ही निकल जाएगा, फिर आपको मजा आने लगेगा क्वेश्चंस में। सबसे पहले किसी चैप्टर का बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद 15-20 इजी क्वेश्चंस करो, जिससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा आप में। और एक बार को ये कॉन्फिडेंस आ गया ना, उसके बाद में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। उसके बाद उसी चैप्टर के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। दोस्तों, मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाना सिर्फ दो लोगों के हाथों में होता है, एक तो वो जो मैथ्स को पढ़ रहा है यानी कि आप खुद, और दूसरा वो जो मैथ्स को पढ़ा रहा है यानी कि आपका टीचर। अगर टीचर खुद ऊपर से पढ़ा रहा है, बस रटाई जा रहा है फॉर्मूलाज को, तो स्टूडेंट के लिए मैथ्स एक बर्डन बन जाएगा, उसको उससे नफरत हो जाएगी। इसलिए आपको चाहिए ऐसा टीचर जो डेली लाइफ के गजब एग्जाम्पल्स देकर आपके लिए मैथ्स को इंटरेस्टिंग और इजी बना दे। तो आपके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च की इंटरनेट पर, तो मुझे क्यू मैथ के बारे में पता चला। क्यू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, बट ये बाकी ऑनलाइन क्लासेस से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर एक टीचर पर्सनली आपको ही पढ़ाएगा, वो आपसे वेब कैमरा के थ्रू कनेक्ट होकर के आपके साथ बैठेगा, वो मैथ्स को इतना ईजी कर देंगे आपके लिए कि आप क्लास में बाकी स्टूडेंट से हमेशा आगे रहोगे। यहाँ आप अपने टीचर से हर डाउट क्लियर कर सकते हो। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, वो सर नेक्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, और मैथ्स में 100 out of 100 स्कोर करने का जो आपका ड्रीम है उसमें आपका पूरा साथ देंगे। दोस्तों, यहाँ आपको क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं।
यहाँ पर जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं वो सब हाईली एजुकेटेड टीचर्स हैं, और क्यू मैथ पर पढ़ने वाले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैथ्स में 90 प्लस स्कोर करते हैं। और दोस्तों, क्यू मैथ के ऑफलाइन सेंटर्स भी हैं जहाँ पर केजी से लेकर 6 तक के बच्चे पढ़ते हैं। और गूगल प्ले स्टोर पर क्यू मैथ की एक ऐप है जिस पर आप अपने फेवरेट टीचर से मैथ्स पढ़ सकते हैं। साथ ही क्यू मैथ की एक ऐप पेरेंट्स के लिए भी है जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों की प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं रेगुलरली। दोस्तों, क्यू मैथ पर आप फ्री में डेमो क्लास ले सकते हैं, और अगर आपको टीचर्स का पढ़ाया हुआ समझ आए तो आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्यू मैथ का लिंक मिल जाएगा। आई सजेस्ट यू आप इनकी डेमो क्लास जरूर चेक कीजिए। दोस्तों, फाइनली मैं आपको मैथ्स के बारे में एक ऐसी स्पेशल टिप बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप कहोगे वाव। दोस्तों, मैथ्स जो है वो एक गेम की तरह है, जैसे GTA Vice City। अब जैसे Vice City में हमारे पास चीट कोड्स होते थे स्पेशल एबिलिटीज को गेन करने के लिए, वैसे ही मैथ्स में शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। हालांकि मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप शॉर्ट ट्रिक्स का यूज बोर्ड एग्जाम में करो, बिकॉज अगर आपने इनका यूज किया तो आपको मिलेगा 0 नंबर। आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स का एक फायदा है, अगर हमें किसी क्वेश्चन को बेसिक से भी करना आता है और शॉर्ट ट्रिक से भी करना आता है तो उस क्वेश्चन पर हमारी कमांड बन जाती है और हमारा इंटरेस्ट 1000 टाइम्स बढ़ जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन आता है, वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, वेयर 3 वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4th वर्टेक्स। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन ऐसे होता है, किसी समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए होते हैं और हमसे चौथे शीर्ष के निर्देशांक पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 5-1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2-3, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0-5, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। अब आप किसी भी बुक को उठाकर देख लो, उसमें बेसिक मेथड से मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी है, कम से कम 2-3 पेज में इसका आंसर आएगा, एंड बोर्ड एग्जाम में उसी मेथड से करना है। बट इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि काफी जबरदस्त है। देखो, हमें पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना, तो आप एक काम करो, पॉइंट डी पर खड़े हो जाओ। आप बस खड़े हो जाओ, हमें जिस भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होते हैं हमें बस उस पर खड़े हो जाना है, ठीक है। अब अपने एक हाथ को पॉइंट ए की तरफ करो और अपने दूसरे हाथ को पॉइंट सी की तरफ करो। अपने हाथों को फैलाओ ऐसे, जैसे हम हग करते हैं किसी को, गले मिलते हैं वैसे। अब देखो, आपके हाथ पॉइंट ए और सी तक तो आराम से जा रहे हैं, बट पॉइंट बी काफ़ी दूर है, वहाँ तक हमारे हाथ नहीं जा रहे हैं। तो जहाँ तक आपके हाथ जा रहे हैं, यानी कि जिन पॉइंट्स को आप हाथ से पकड़ सकते हो, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट सी, तो उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को जोड़ दो, और जहाँ तक आपके हाथ नहीं जा पा रहे हैं उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दो। यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स को जोड़ दो और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो करो कैलकुलेशंस, देखो 5+0 -2, तो ये हुआ 5, -- हो गया +2, आंसर आ गया 7। पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट हुआ 7। अब वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं पॉइंट डी का। तो देखो, हाथ कहाँ तक जा रहे हैं उनको जोड़ दो, -1 + 5, और दूर वाला जो है उसको घटा दो, उसको माइनस कर दो। तो -1 + 5 -3, तो ये हुआ 4, और -- हो गया प्लस, तो ये हुआ 4+3 = 7। तो ये हुआ वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट डी का, और गारंटीड पॉइंट डी के एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स 7.7 होंगे। अब देखो, आपको ये शॉर्ट ट्रिक बोर्ड एग्जाम में यूज नहीं करनी है, वहाँ आंसर बेसिक कॉन्सेप्ट से ही करना है। बट अपने आंसर को चेक करने के लिए, यानी कि आंसर सही तो है ना, इसको चेक करने के लिए आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। इंटरेस्टिंग ट्रिक है ना। बस अगर आपको कोई ऐसा टीचर मिल जाए तो समझो मैथ से प्यार हो जाएगा आपको। दोस्तों, अब बात आती है जिनके अभी प्री बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उनके पास तो इतना टाइम नहीं है, तो उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि आप प्रीवियस ईयर्स पेपर उठा लो और उनके अलावा कोई क्वेश्चन मत करो। ट्रस्ट में, आपका प्री बोर्ड एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से करने पड़ेंगे, और अगर जैसे मैंने बताया वैसे पढ़ते हो तो बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में आपको 100 out of 100 आने से कोई नहीं रोक पाएगा। स्मार्ट वर्क और कॉन्फिडेंस, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो इस दुनिया में, बिकॉज जो आप सोच सकते हो वो आप 100% कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई एम ऑलवेज विथ यू एंड लव यू ऑल।